नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल आवाज इंडिया न्यूज। रुक करते हैं बड़ी खबरों की। कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। मंदिर को विशेष लाइटों व रंग बिरंगी फूलों से सजाया। बेंगलुरु शहर में सिरवी समाज कनकपुरा रोड जरगनाले स्थित आई माता वडेर प्रांगण में सोमवार को श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। आने अम्मा मंदिर परिसर में ओम जी महाराज की अगुवाई में गैर नित्य गाजे बाजे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा में भक्तों के जय घोष और भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कथा स्थल पर विधि विधान से पूजन के बाद कलशों की स्थापना के साथ श्रीमद भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। नवरात्रि को लेकर आई माता मंदिर को विशेष लाइटों व रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया। शाम को महिलाओं व बच्चों के डांडिया रास का कार्यक्रम हुआ। रात को आई माता मंदिर परिसर में डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक के गानों पर लोग जमकर थिरके। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष पेमाराम गहलोत, उपाध्यक्ष मोहनलाल राठौर, सचिव रतनलाल, महासचिव मोहनलाल हाम्बर एवं महिला मंडल गैर मंडल सहित समस्त ट्रस्ट के पदाधिकारी उपस्थित थे। इसी तरह की खबरों में हमेशा अपडेट रहने के लिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। व अगर आप आवाज़ इंडिया न्यूज़ के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आवाज़ इंडिया न्यूज़ के फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। वह अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।